नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर में आईजी भगवान सिंह चौहान ने गढ़ थाने के स्टाफ ओटीआई को प्रशंसित पत्र और नगद इनाम से पुरस्कृत किया है। आईजी कार्यालय में संपन्न हुई इस सम्मान कार्यक्रम में थाना प्रभारी राकेश तिवारी और 6 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। दरअसल गढ़ा थाना क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थित है, जहां कोरोना संक्रमण को लेकर दिन भर मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही रहती है। इसके साथ ही क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन भी कराया जा रहा है। इन तमाम चुनौतियों के बीच गढ़ा थाना पुलिस स्टाफ दिन रात मेहनत करके व्यवस्थाएं संभाल रहा है, जिसके कारण कई पुलिस कर्मी कोरोना की चपेट में भी आ चुके हैं। हालांकि वे कोरोना को हराकर फिर से अपने फर्ज को निभाने वापस ड्यूटी पर लौट आए हैं। थाना स्टाफ की इस लगन और समर्पण को ध्यान में रखते हुए आईजी द्वारा यह सम्मान दिया गया है, जिसे अपनी जान हथेली पर रखकर कर्तव्य निभाने वाले पुलिस कर्मियों का हौसला बुलंद रहे और उन्हें देखकर अन्य थानों के पुलिस कर्मी भी अपनी ड्यूटी लगन के साथ करें। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी सर, हमारे गढ़ा थाने के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर आसपास के जिले नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, कटनी से काफ़ी तादाद में मरीज गंभीर हालत में आ रहे हैं और हमारे थाना प्रभारी गढ़ा राकेश तिवारी और उनके साथ सब इंस्पेक्टर और हमारे प्रधानाक्षक आरक्षकों की जो टीम है वो रात दिन मिलकर वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक कोरोना संक्रमण के देखते हुए जो स्थिति बनी हुई है उसमें बहुत ही सूझबूझ के साथ इन लोगों ने काम किया है। कभी अभी तक कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होने दिया और जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता के लिए हमेशा ये पूरी टीम तत्पर रहती है। उसके लिए मैंने इनको यहाँ पुरस्कृत किया है, एक प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार इन कर्मचारी अधिकारियों को हमारे द्वारा दिया गया है। सर, और भी स्टाफ आपका लगा रहता है चौराहों पर, उनके लिए कुछ समय समय पर हम लोगों को पुरस्कृत कर रहे हैं। मैं भी चौराहे पर जाकर उनको प्रोत्साहित कर रहा हूँ और जो भी अच्छा काम करेगा उसको हम निश्चित रूप से पुरस्कृत करेंगे। जो उनके पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा थाना गढ़ा के स्टाफ को जो लगातार हमें मेडिकल में बाहर के मरीज आते हैं या मरीजों के परिजन द्वारा क्षुब्ध होकर कभी मेडिकल कॉलेज में कुछ विवादित स्थिति बनती हैं या बाहर के आए पुलिसकर्मी जिनको तत्काल मेडिकल में भर्ती होना है या उनकी व्यवस्थाएं करना है, साथ ही मेडिकल क्षेत्र में और गढ़ा क्षेत्र में ये कोरोना लॉकडाउन पालन कराने में जो मेरे साथ के उप निरीक्षक नीलेश, अपने प्रधान आरक्षक अशोक, सहायक उप निरीक्षक हरगोविंद, प्रधान आरक्षक जगदीश, अनिरुद्ध, शैलेंद्र, प्रधान आरक्षक रामकृष्ण और कैलाश पाल, ये हमारी पुरुषोत्तम, ये हमारी टीम जो है, हालांकि हमारे अधिकांश पूरे थाना गढ़ा के सभी कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम अभी तक किया है और हम लोग अपेक्षा का तुलनात्मक ढंग से कोरोना पॉजिटिव लोगों के बीच में काम करते हुए हम अपने कर्मचारियों को भी सुरक्षित रख पाए हैं। हमारे यहाँ पॉजिटिव का जो दूसरे क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनसे पॉजिटिव होने की संख्या हमारी कम है और हमारे यहाँ सुरक्षित रखने का प्रयास किए हैं। इसके बावजूद जो भी हमें चैलेंज मिलते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से देर रात में या किसी भी समय हमको कोई निर्देश मिलते हैं तो वो हमारी इस टीम के द्वारा ये नहीं सोचते कि किन परिस्थितियों में हैं, ये जाते हैं मौके पर और राहत भी पहुँचाते हैं और मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उनको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। आईजी साहब ने आज सम्मान जी आईजी साहब ने आज प्रशस्ति पत्र भी दिया है सभी को और उसके साथ साथ नगद राशि भी इनाम स्वरूप दी है। ये हमारा आईजी साहब का आशीर्वाद है हम लोगों को और इस पुरस्कृत होने से
इन लोगों का प्रोत्साहन बढ़ेगा, साथ साथ जो हमारे थाने के अन्य कर्मचारी अधिकारी हैं वो और भी लगन से ज़्यादा तन्मयता से कार्य करेंगे। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।